नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। बिहार में एक लोकसभा और पांच विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एक लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव में अभी प्रिंस राज 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और यहाँ पे एलजेपी की तरफ से प्रिंस राज चुनाव लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार चुनाव मैदान में थे। अब तक जो परिणाम रुझान हमारे सामने आ रहे हैं उसमें प्रिंस राज 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रिंस राज रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। रामचंद्र पासवान इससे पहले इसी सीट पर, समस्तीपुर लोकसभा सीट पर एलजेपी के उम्मीदवार थे। रामचंद्र पासवान के बारे में बता दें, रामचंद्र पासवान रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। उनका 2019 लोकसभा चुनाव के बाद निधन हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई। इस सीट पर रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज को टिकट मिला। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में ये सीट गई और इस सीट पर डॉक्टर अशोक कुमार को टिकट मिला है। फिलहाल अभी रुझान चल रहे हैं, अब तक के रुझानों में 10,000 वोट से प्रिंस राज आगे चल रहे हैं। आगे के अपडेट हम आपको बिहारी न्यूज़ से मिलता रहेगा, देते रहेंगे। तब तक के लिए बिहारी न्यूज़ पे बने रहें।